जो ऐसे पच्चीस तीस साल पहले का जो लोग थे उनका थोड़ा सा जिंदगी सरल भी था कि लिमिटेड ऑप्शंस थे हर चीज़ के हर चीज़ में आ, तो उसकी वजह से प्रेशर भी कम थे शायद कि आपको आपका जिंदगी ऐसे चलाना है ये करना है ये करना है ये करना है तो आज की जो लड़की लड़कियां हैं मुझे लगता है कि वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है बहुत ज़्यादा प्रेशर और आ, आ, जो सरकारी जो नौकरियां हैं उसका जो ऑप्शन है वो बहुत कम हो गया है तो अभी वो जो और और शहर सिर्फ मुंबई डेली नहीं है चेन्नई नहीं है बेंगलोर नहीं है शहर जो है वो विजयवाड़ा है शहर जयपुर है हाथरस है मेरठ है बागपत है इलाहाबाद है प्रयागराज बांसवाड़ा डूंगरपुर गजरौला है ना तो वहाँ पे जो नौजवान हैं लड़के लड़कियाँ उनके लिए बड़ा टफ़ टाइम है ये आजकल बहुत ज़्यादा टफ टाइम है कि जिंदगी में होना क्या है करने क्या वाले हैं तो वो हाँ मुझे ये 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 टफनेस का एक सवाल पूछना था आपसे कि ये जो ये जो टफ टाइम है उनके साथ जिंदगी में आप आप क्योंकि कम्युनिकेशन में आप, आप मास्टर हैं है ना सब चीज़ों को आप एक आपका पर्सपेक्टिव एक तरह का है मुझे ये जो एक नया और उसमें सारे जो 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 नौजवान लड़के लड़कियां उनके ऊपर बहुत प्रेशर है प्रूव करने का अपने आप को भले वो क्रिएटर है या नहीं है लेकिन आ, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दिखना और अपना बेस्ट प्रेजेंट करना वो एक एक ऐसा मुझे ऐसा लगता है मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो एक मजबूरी हो गया अभी सोचते हैं कि मजबूरी हो गया मतलब नह, मजबूरी नहीं मतलब कि अब अब क्रिएटर हैं नहीं है और मैं क्योंकि मेरे मेरे जो रिश्तेदार हैं या एक्सटेंशन में जो पहचान के लोग हैं मेरे राजस्थान में लोग सब लोग रील बना रहे हैं चाहे वो डॉक्टर है कंपाउंडर है दुकान चलाता है लेकिन हर कोई वो कुछ करने की वो वो ये ये जो फेज है ये कब तक चलेगा ये क्या कहाँ ब्रेक होगा ये क्या होगा इसका क्या ऐसा होगा क्या कि मतलब जैसे मैं कनॉट प्लेस के आसपास रहता था रेलवे कॉलोनी में तो निरुलास दुकान था यहाँ पे जाके आइसक्रीम खाने मजा आएगा नहीं। नहीं। या काकेदा ढाबा यहां पे खाने में मजा आएगा और यहां पे महीने दो महीने में महीने में दो बार जाके करना है यहां पर अभी उस काकेदा ढाबा के साथ में अगर 40 काकेदर ढाबा खुल जाएंगे या 400 सौ काकेदर ढाबा खुल जाएंगे तो वहां खाना कौन खाएगा मेरा ये क्वेश्चन बार बार कंटिन्यूसली चल रहा है कुछ महीनों से कि इतने ज्यादा क्रिएटर्स हो जाएंगे करेक्ट कि हर कोई क्रिएटर है तो क्या होगा देखेगा कौन कौन देखेगा मतलब क्या होने वाला है मतलब हम कहाँ जा रहे हैं मैं, मैं ऐसा नहीं कि मैं कुछ दूध का दुलाऊ मैं भी मुझे भी लगता है कि मुझे भी लाइक्स मिले मैं कुछ पोस्ट कर रहा हूं तो उसको भी लोग अप्रिशिएट करें तो ये एक कंडीशनिंग हो रहा है तो मैं मुझे लग रहा है ठीक है मेरा आ, पचास साल हो गया मैं काम वाम चल रहा है उसके बीच में कभी कुछ फोटो पोस्ट कर दिया या कुछ फिल्म का अपना क्लिप लगा दिया या अपना फिल्म का कुछ लगा दिया उस पर रील बन गया वो ठीक है लेकिन जो 20-22, 25 साल के लड़के लड़कियां हैं जो इस फील्ड में है नहीं है एक एक रील दिख रहा था एक कुछ किसी को फॉलो किया जो कि हाउस अपने गांव में वाइफ है राजस्थानी है हरियाणी ड्रेस पहना हुआ उन्होंने खेतों में काम करते हैं और बहुत अच्छे वीडियोस बना रहे हैं वो वो लो. लोग देखा मैंने भी देखा, मतलब है है मतलब माइंड माइंड ब्लोइंग ब्लोइंग तो पर वो कैसे चलेगा जब हर कोई माइंड ब्लोइंग होगा क्या होने वाला है कहां पे जाके उसका एंड क्या होगा ये कुछ इंसेप्शन जैसा होगा क्या कि मतलब हम लोग खुद ही देखेंगे खुद ही बनाएंगे घर में पांच लोग हैं पांच लोग रील बना रहे हैं और एक दूसरे को दिखा रहे हैं क्या होने वाला है इसका मैं काफ़ी अंकुल से बात करता हूँ जो एक जो क्वेश्चन करते हैं कि मैंने ये सब किया है मैं रील्स बना रहा हूँ या मेरा लिंकिन पेज चल रहा है कि यूट्यूब चैनल में चालू किया पर एक्चुअली तो मेरा एक ही पॉइंट है कि क्योंकि इतने सारे ऑप्शन है हर चीज़ करना ज़रूरी नहीं है mm. क्यों कर रहे हैं वो क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी क्योंकि सबका वो हो गया ना कि ऑप्शन है तो कर लेते सब कर रहे हैं तो किसी ने पूछा था कि मैं इंस्टाग्राम पर रील बना रहा हूँ मैं कर रहा हूँ तुमको क्यों करना तुमको अगर करना है क्योंकि मजा आता है करना है वो अलग पॉइंट है वो वो तो आज के डेट में कोई भी अपना खुद का चैनल चालू कर सकता है एक जमाना था जब नहीं होता था नहीं। तो ये क्यों वाला क्वेश्चन बहुत पूछते नहीं सब कर रहे हैं क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं हाँ है। पर इसलिए एक पॉइंट के बाद बंद कर देते हैं और फिर वो होता है कि और उसने कंटिन्यू किया उसका अच्छा हो गया मैंने बंद कर दिया पर उसने कंटिन्यू किया क्योंकि वो एक्चुअली चाहता था कि वो करे हाँ नहीं पर ये जो फिनोमिना है वो कब जाके रुकेगा कहाँ पे रुकेगा क्या होने वाला है इसका इसका अगला वर्जन बनेगा मेरा एक्चुअली फीलिंग ये है कि और बढ़ता और बढ़ता जाएगा कम नहीं होगा और फटीक आ रहा है अभी आज के डेट में आप देखो ना कितने मूवी बन रहे हैं कितने सीरीज बन रहे हैं yes. अभी बोल रहे हैं सुपर हीरो फिटिंग कि इतने सारे मावल डीसी के एक मतलब मालूम नहीं कौन सा स्टोरी कहाँ कनेक्टेड है तो ऑलरेडी वो हो रहा है वो कोविड के पीरियड में क्या हो गया कि हर कोई घर में बैठा था तो चालू किया अभी फिर से लोग बाहर निकल रहे हैं मेरा ये इक्वेशन पॉडकास्ट के ऊपर था कि इतने सारे पॉडकास्ट है पर मैं ट्वेंटी से लेकर अभी तक कर रहा हूँ मैंने छः सौ से ऊपर एपिसोड आज के रेट में होस्ट किया पर मैं, मैं कर मैं करता हूँ क्योंकि अगर मुझे एक रुपये भी कोई देता नहीं मैं फिर भी ये करता मैं अगर नौकरी भी नहीं आप तो बहुत प्रोफेशनली कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं मेरे दोस्त ने बोला कि गज्जू तू इतने सारे पॉडकास्ट में जाता है तू, तू तो बहुत अच्छा बोलता है तू कर लेना मैंने कहा मेरा आया कुछ हफ्ते तक रहा कि मैं कर लूँ क्या कैसा रहेगा मतलब यूट्यूब पे मस्त एकदम डॉलर्स आएंगे तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि नहीं इतना इजी नहीं है डॉलर्स ऐसे नहीं आते हैं है नहीं और मेरा मैं हूं नहीं वो मेरा मैं जवाब दे सकता हूं शायद मैं बातचीत कर सकता हूं लेकिन मैं होस्ट नहीं कर सकता नहीं। मेरा एक्सपर्टीज होस्टिंग वाला नहीं है आया मन में ऐसा नहीं है कि नहीं आया नहीं। आया ला और वो एक एक एक, एक आपका फसाड़ रहता ना कि मैं नया ट्राई कर रहा हूं कुछ मैं कुछ नया क्रिएट कर रहा हूं तो वो उस चक्कर में फिर मैंने कहा नहीं यार इतने सारे लोग कर रहे हैं नहीं मुझे नहीं करना मैं जो कर रहा हूं अगर ये नहीं होता शायद मैं करता उसके अंदर कितने सारे दोस्त कितने सारे पहचान के लोग कि गजराज स्टार्टेड अ न्यू थिंग अ पॉडकास्ट तो शुरू शुरू में कर देता था हुँ. फिर मुझे लगा कि यार मैं, मैं वो उनको खुद नहीं पता है कि वो पॉडकास्ट कर क्यों रहे हैं वो क्या कर रहे हैं क्या बोलना चाहते हैं तो तू कुछ बता अपने बारे में ये क्या सवाल हो कुछ बता अपने <laughs> बारे में <laughs> तो अब फिर दोस्तों को नाराज करना शुरू किया मैंने <laughs> पहचान के लोगों को कि नहीं यार ऐसे नहीं होगा तो जैसे मतलब वो वही है कि, कि ये आई गेस बधाई के पहले या कुछ जैसे हाँ तो मैं उस समय ना अपना कुछ थिएटर या कुछ कुछ भी कुछ ऐड फिल्म आया जैसे कुछ तो मैं अपने जो थोड़े नामचीन लोग हैं उनको मैं मैसेज uh, कर देता था व्हाट्सएप पे ये दर, कि अपना तो इंस्टाग्राम पे लगा देना इसको जाकिर को किया दो तीन बार या, या, या जाकिर ये जाकिर लगा इसको पोस्ट कर नहीं। नहीं। तो मुझे लगता मुझे मालूम नहीं था कि है क्या ये और फिर उसके बाद बधाई के बाद और अभी जब मैं खुद इस चीज को फेस करता हूँ कि अलग अलग जगहों से एप्स के लिए कुछ पेड कोलेब्रेशन कुछ दोस्तों के तो मुझे रियलाइज होता गड़बड़ हो गया ये तो मामला कहाँ पे आप कहाँ पे रुकोगे आप किसको क्या जैसे कोई एक, एक, एक तो आप कितने शोज को आप अप्रिशिएट कर सकते हो और अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो करेक्ट अगर आपको खराब लग रहा है तो मुझे जो मुझे जो आ, कुछ लाख लोग हैं या कुछ हजार लोग जो मुझे पसंद करते हैं वो मैं उनको वारंटी दे रहा हूं ना करेक्ट कि मेरे को अच्छा लगा आप ये देखो हुँ. मेरे ब्याह पर वो एक लाख अस्सी पिचासी तो वो उनमें से पिचासी लोग भी मेरे कहने पे देखेंगे ना या मेरे कहने पे ये पॉडकास्ट सुनेंगे हुँ. या पढ़ेंगे मतलब घमंड नहीं खाना चाहिए एक लाख पिचासी में से पिचासी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मेरा ऐसा मानना है कर, तो मैं उनकी नजरों में क्यों गिरू कि मैं उनको क्यों बोलूँ कि किताब मुझे बहुत अच्छी लगी पढ़ो इनको क्योंकि वो मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं कहीं पे मेरा होप ये है कि जितना ये एक्सेस बढ़ेगा और बढ़ता जाएगा एक ह्यूमन नीड होगा ना कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने का कि आज अगर देखो कि बहुत सारे जो यंग लोग बोलते हैं कि मुझे पोस्ट नहीं करना है मुझे एक्चुअल आउटडोर एक्सपीरियंस चाहिए कि एक्चुअली ह्यूमनली मिलना है ये नहीं कि मेटावर्स में मिलना है या सिर्फ व्हाट्सएप पे मिलना है तो एटलीस्ट मेरा होप हमेशा रहता है कि वो फ्लिप होगा चेंज होगा होना चाहिए यार बहुत गड़बड़ है ये, तो। ये, ये अगर हम ऑनलाइन करते जूम ने तो मुझे मतलब वो मुझे डिप्रेस कर दिया था कुछ महीनों के बाद अब शुरू में ठीक लगा था कि अच्छा चलो एक घर से छह महीना घर से नहीं निकले अभी चलो एक एवेन्यू कुछ आया मेरे एडवर्टाइजिंग के कुछ पीपीएम उस पर हुए कुछ दो तीन फिल्म में तो मैंने जूम पे शूट कर दिया कि एक्टर्स ऐसा एक्टर कपल हायर किया जो कि मतलब, मतलब कपल हायर किया कि मे अभी है तो अच्छा वो रियल लाइफ में, में है तो सोशल डिस्टेंसिंग दूसरे कमरे से कैमरा मैन बैठ के इधर से शूट कर रहा है वो सब कर लिया लेकिन वो वो पॉसिबल नहीं है यार वो वो नहीं तो ह्यूमनली पॉसिबल अनलेस कुछ, कुछ अनलेस कुछ हो जाए और सब कुछ खत्म हो जाए नेचर ही वैसा हो जाए तो शायद अलग बात है हो जाएगा अडेप्ट कर लेता है इंसान तो कहने का मतलब ये कि जो और नौजवान दोस्त हैं लड़के लड़कियां हैं ना सारे उनको थोड़ा सा बच के रहो यार थोड़ा सा राशनिंग करो जोर से क्योंकि ये ये एक मिराज है है ना कि ये ये इसके बाद कुछ अच्छा होने वाला है इसके बाद वो नहीं है मेरे ख्याल से और हर कोई रील बनाएगा हर कोई इन्फ्लुएंसर बनेगा तो गड़बड़ हो जाएगा किसको इन्फ्लुएंस किसके करोगे सभी लोग एक दूसरे को ब्लैक मिरर वाला सिचुएशन हो गया है खतरनाक सिचुएशन है तो मतलब जहां तक हो सके मतलब मैं ऐसा मत सोचो कि मैं ज्ञान दे रहा हूं और बचो थोड़ा सा क्योंकि वो एक एक वो ये दुनिया अच्छी लगने लग जाएगी तो फिर आपको रियल लाइफ में इंटरेक्शन बंद हो जाएगा फिर मुश्किल होगा फिर कि आप आप आमने सामने बैठकर बात करना हाथ पकड़ना खाना खाना घूमने जाना उससे दिक्कत होने लग जाएगी वो नहीं होना चाहिए इसको जितना राशनिंग करोगे मेरा मुझे बड़ा बड़ी खुशी है कि मेरा बड़ा बेटा वो इससे बहुत दूर है उसको ये बिल्कुल इस 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 मैं फंसा ही नहीं हूं इस चक्कर के अंदर मैं हूं फंसा हुआ तो मैं जो, जब आपको जब आपको बोल रहा हूं तो ये ज्ञान मैं अपने आप को भी दे रहा हूं जब आपको क्योंकि कई चीजें होती हैं कि आप दूसरों को बताते हो तब आपको थोड़ा ज्यादा सीमेंटिंग होता है लेकिन मेरा हो गया है लाइफ आपका लाइफ अभी शुरू हुआ है तो कोशिश करो कि जो भी ये ये जो एक वर्चुअल वर्ल्ड है ना Unless आप डिज़ाइन में या कुछ काम वाम हो ठीक है लेकिन बाकी छोड़ो ये ये नहीं है लाइफ अंत नहीं है ना okay. गड़बड़ हो जाएगा डि दैट मेक यू री थिंक थिंग्स इफ इट डिड check out the द episode.